मैं लियाकत खान पूर्व जिला परिषद से साहू जुड़ेरा वार्ड। ये जो घटनाक्रम रात को सालुई गांव में हुआ है और पीड़ित जान मोहम्मद के परिवार के जो विचार हैं कि जो उन्होंने जो बयान किए हैं, मौके स्थल पर हम गए और रात को करीब 11:15 बजे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से बीओ, फॉरेस्ट गार्ड और चौकीदारों ने जो है वहाँ पे उनके घर पे जाके जो है एक सर्च की और बिना सर्च वारंट के जो पीड़ित ने हमें बतलाया है कि ना ही कोई सर्च वारंट था उनके पास, ना ही कोई सर्च वारंट रिसीव हुआ है और एकदम से वो जो घर के अंदर घुसे और घर के अंदर घुसने के बाद मारपीट हुई, गोलियां भी चली और रात को ही पुलिस डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे गया और वहाँ पे छानबीन हुई। ना ही कोई इस तरह का कोई अवैध लकड़ी या कोई इस तरह का कोई चीज़ मिली है जिससे कि उस पर जुर्म साबित हो। एक हैरान करने वाली बात यह है कि एक न्याय प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो एक फर्स्ट डिपार्टमेंट को जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी और बकायदा सर्च वारंट लेके जाते, किसी एक मैजिस्ट्रेट प्रधान इलाका होता है किसी को साथ में लेके जो है सर्च की जाती तो एक अच्छी बात होती, लेकिन इस तरह से सोए हुए परिवार के व्यक्ति पे जाके धावा बोलना, एकदम घर में घुस के जो है इस तरह की वारदात को अंजाम देना या गोली कांड हुई है जिस तरह से सुनने में आया कि दो गोलियां चलाई गई और जो बेचारा पीड़ित है उसकी दो बाजुएं टूट गई हैं, एक बहुत ही एक निंदनीय और एक अशोभनीय और एक जो है प्रताड़ित करने वाली जो है गरीब परिवार को जो है ये एक घटना हुई है जिसका हम समस्त समुदाय जो गुज्जर समुदाय और समस्त समाज, गुज्जर समुदाय नहीं, समस्त साउ एरिया का जो समाज है एक एक इसकी निंदा करता है और एक निष्पक्ष जांच की जो है वो प्रशासन से और सरकार से जो है वो मांग करता है। मैं आभारी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का कि जिस तरह से इनको रात को सूचना मिली, एसपी मैम का, एडिशनल एसपी साहब का और एसएचओ हमारे नवनियुक्त एसएचओ जो एक बड़े ही निष्पक्ष ऑफिसर हैं, उन्होंने रात को ही जाकर जो है वो छानबीन की और आज भी हम जो एक डेपुटेशन हमारा जो है एसएचओ सदर चंबा सिकिनी कपूर जी से मिला, उन्होंने हमें फुल अच्छी तरह से भरोसा दिया है। FIR जो है दर्ज हो चुकी है, उसमें जो भी धाराएं बनती थी वो लगाई गई हैं और हमें जो है एक निष्पक्ष जांच का उन्होंने भरोसा दिया है कि आप निश्चिंत रहिए एक निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम जो है कामना करते हुए कि निष्पक्ष जांच होगी और हमारा जो एक शोषित समुदाय है गुज्जर समुदाय, हालांकि इस गुज्जर समुदाय का जो एक रिश्ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जन्मांतर जुड़ा हुआ है क्योंकि ये ग्रेजिंग परमिट इनके ऊपर आना जाना, लेकिन इस तरह की जो वारदात जब होती है, जब एक ऑफिसर जो है बिना सर्च वारंट के बिना विभागीय आदेश के जो है जाकर इस तरह की कार्रवाई करते तो एक निंदनीय बात बनती है और एक अशोभनीय बात बनती है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यही हमने जो है आज डेपुटेशन मिला हमारा और हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं गुलजार अहमद, जिला अध्यक्ष भाजपा संकेत मोर्चा चंबा व जिला अध्यक्ष गुज्जर समाज कल्याण सभा चंबा। जैसा कि पिछली रात को मेरे गाँव में सालोनी में जान मोहम्मद के घर पर हमारे साहू बीट के जो बीओ हैं, दो फॉरेस्ट गार्ड और दो चौकीदार जान मोहम्मद के घर में रात को गए और जान मोहम्मद रात को सोया हुआ था और जाकर उनके साथ मारपीट की और दो गोलियां भी चलाईं, जिसके मौके वारदात पर हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जो उनका वेपन, गोली चली हुई और पर्दी की जो कैप है और एक बैंत जो है वो वहाँ मौके पर जो है पुलिस ने बरामद किया और जान मोहम्मद की दोनों बाजू जो हैं वो टूट चुकी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिसकी तफ्तीश और छानबीन जो है पुलिस विभाग बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, जिससे हम संतुष्ट भी हैं और अभी हम SHO साहब से मिले भी और उन्होंने भी हमें पूरा कार्रवाई का भरोसा दिया है। FIR दर्ज हो चुकी हैं और छानबीन जारी है और हम ये उम्मीद करते हैं और प्रशासन पर भी विश्वास करते हैं कि हमारा जो
ये केस और ये वारदात हुई है, इस पे गरीब को न्याय मिलेगा, यही मैं कहता हूँ।